हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा कहानी 2 के 8 दिनों के कलेक्शंस के बारे में। पहला हफ्ता तो फिल्म का काफी अच्छा रहा। पहले हफ्ते फिल्म ने करीबन करीबन 24 करोड़ तक का कलेक्शंस किया था, जहां पे जो सातवें दिन की अर्निंग आई थी वो 1.55 करोड़ थी, यानी करीबन करीबन 1.5 करोड़ की अर्निंग आई थी। अब जो है आठवें दिन की अर्निंग आ गई है और आठवें दिन इस फिल्म ने जो कमाई की है 75 लाख, यानी कि जो सातवें दिन की कमाई है उसकी आधी अर्निंग आई है सेकेंड फ्राइडे को कहानी 2 की। उसका रीजन आपको पता ही है, बेफिक्र की वजह से और कहीं ना कहीं देर जिंदगी कॉम्पिटिशन से। तो अब जो आठवें दिन फिल्म ने कमाया है वो बता देता हूँ, 75 लाख सिर्फ कमाया है फिल्म ने, और उसके बाद जो टोटल होता है फिल्म का वो होता है 25.01 करोड़, यानी कि फिल्म ने 25 करोड़ का बिजनेस कर लिया है पहले 8 दिनों में। सेकेंड वीक बहुत ज़्यादा ट्रबल वाला होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जो इसकी टक्कर थी डियर जिंदगी से थी, अब कहीं ना कहीं कहानी 2 की टक्कर हो रही है बेफिक्रे से भी। तो दो फिल्में और आ चुकी है, मतलब सॉरी डियर सिंह तो पहले से थी, बेफिक्र अब आ चुके हैं। तो इन दोनों फिल्मों के बीच कहानी 2 का बिजनेस धीरे धीरे जरूर कम होगा, क्योंकि उतना बड़ी बजट की फिल्म नहीं थी, उतना ज़्यादा स्टारकास्ट बड़ा नहीं था, पर कहीं ना कहीं अकेले दम पर जो विद्या बालन ने इस फिल्म को संभाला है वो काबिले तारीफ है। फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, देखते हैं किस तरह से आने वाले दिनों में इस फिल्म के कलेक्शन आते हैं। आई होप आप 25 करोड़ के इस कलेक्शन से काफ़ी खुश होंगे, और जो भी आपको अपडेट्स होंगी मैं बॉलीवुड की और बाकी सब इम्पोर्टेंट वो आपको मैं देता रहूँगा। चलिए तब तक के लिए बाय।